एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल होने वाला है मोटिवेशनल स्पीच, और ये है बाय आशुतोष राणा जी, जो कि इनकी हमने से पहले भी एक वीडियो देख चुके हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी, और अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। एनीवेज, वीडियो की तरफ चलते हैं, तो वीडियो के बारे में जानते हैं, देखते हैं, क्योंकि इनका लिंक तो बॉलीवुड से है, लेकिन इस तरह की स्पीच इनसे सुनकर बहुत खुशी होती है और एक रिव्यू जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले, अगर आपने मेरा हॉली व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से चले जाएं, और कमेंट में पिन भी कर रही हूँ आप मेरा व्लॉग देखें, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड डेफिनेटली आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया लाइफ में, फर्स्ट टाइम होली खेली है यार, तो जल्दी से जाएं और वॉच करें। खैर, वीडियो की तरफ चलते हैं और रिएक्शन देते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, माँ देवी दुर्गा हो, कप्पर वाली हो, चाणक्य हो, जिनके नाम पर ये कौटिल्य आपका इंस्टीट्यूट है, ये एक व्यक्ति के रूप में जन्म इन्होंने लिया, लेकिन अपने कृतित्व से एक व्यक्तित्व बने, और फिर अपने उस परम और घोर कृतित्व से ये आज के तौर में एक विचार बन के सदैव के लिए वर्तमान हो गए। तो ये ऐसी चेतनाएँ सिर्फ आने के लिए होती हैं, ये संसार में सिर्फ आती हैं, संसार से जाती नहीं हैं। तो राम, कृष्ण, चंद्रगुप्त, खप्पर वाली काली, रानी पद्मिनी, चाणक्य, ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे व्यक्तित्व जो हैं, ये विचार के रूप में हमारे और आपके अंदर कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में डले हुए हैं। तो मैं आशुतोष उन सुप्त आत्माओं को अपनी इस कविता के माध्यम से आहूत कर रहा हूं कि वो जागृत हों। तो हो सकता है कि इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए इतने सारे राम, इतने सारे कृष्ण, इतने सारी कालियां, इतनी सारी पद्मिनी, इतने सारे महाराणा प्रताप, शिवाजी, महात्मा गांधी जैसे लोग पुनर्जागृत होकर इस संसार को, इस भूमि को वापस स्वर्ग में तब्दील कर दें। तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और राज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो, बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे, मोटिवेशनल काफी, और अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाल ले, जागो सिर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरमंडा, और रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडो की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे, परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे, सेल्यू कस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना, देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वह हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी कौन के दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाह जी का ताजा, मरने की हट्ठा ना करते विकट मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे, और कनवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लकड़ी से संगीने भी हार गई, गांधी जी
कि जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, हिटलर को जीतावे फौजें सात समुंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया कौन? सुभाष बाबू के आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया और स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की चांद जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। तो झोली लेकर मांग रहा हूं कोई शीश दान दे दो, और भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण दान दे दो, खड़ी शत्रु की दुल्हन कुंवारी कोई ब्याह रचा लो, और कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो, कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, और कौन कफन का पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? चीनी टकराएंगे। अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने उसको शुद्ध किया चीन, वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने उसको शुद्ध किया, और हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया, और आज बना फिर कफन चीज पर जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है, रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, और फिर चाहे पैकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ये तो वो ही था, ये तो मैंने पहले भी सुना है। धन्यवाद महोदय। ऊर्जा का संचार व रक्त प्रवाह 10 गुना अधिक है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में। सादर धन्यवाद देता हूं। अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लीजिए प्लीज, एज पर कोटिल रूल अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करके आशुतोष जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें एक बार। मेरे सभी छात्र तो ये दृश्य उनकी आंखों में हमेशा कैद होकर रहेगा। ये कौटिल्य आदरणीय जोशी सर, आदरणीय मिश्रा सर, मनमोहन सर, तिवारी सर, देवेंद्र मिश्रा सर, आप सभी के प्रति सम्मान। सर ये दृश्य बहुत प्यार, मैं समझता हूँ ये दृश्य सर आपकी आंखों में हमेशा रहेगा, इंदौर के बच्चों का ये प्यार। जरूर आपको तस्वीर भेजेंगे, बिल्कुल आज ही भेजेंगे। तो ये वीडियो थी आशुतोष सर की, जो कि बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, और इससे पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था इनके बारे में, मैं इनको सिर्फ एक एक्टर ही समझती थी, लेकिन सीरियसली इन्होंने मेरी आज आंखें खोल दी, और मुझे इतना कोई अच्छा लगा इनको सुनकर और इनके बारे में जानने के बाद कि यार कितने अच्छे इंसान हैं ये, और ये सिर्फ ड्रामों में ही काम नहीं करते, मूवीज़ में काम नहीं करते, ये रियलिटी में भी अपनी ज़िंदगी में एक हीरो हैं, रियल हीरो, और इनको पूरी दुनिया से सच में प्यार मिलता है। और ये चीनी मियाऊ चियाऊ मियाऊ वाला जो है ना, ये तो हमने पहले भी सुना था, और जब वो घोल घोल कर पी जाएंगे वो वाला मुझे याद आ गया, हमने इस पे पहले भी एक रिएक्शन दिया था, दैट वाज अ काइंड ऑफ सॉन्ग, और ये जो है ये एक पोएम की तरह इन्होंने बताया है। अब बहुत ज़बरदस्त था, आई थिंक ये वाला ओरिजिनल था, इसी को उन्होंने सॉन्ग में कन्वर्ट किया है, लेकिन दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, और आशुतोष सर का अपना बताने का तरीका जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो जिस तरह से बात कर रहे थे और उनमें बात करने में उनके लफ्ज़ों में जोश था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ पर बैठे हुए लोग क्या, मैं यहाँ पर बैठी मुझे जोश आ गया था, चीनी मिनी च्याओ म्याओ गोल मोल के पी जाओ
अच्छा आशुतोष सर जो हैं वो अपनी कंट्री से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और देशभक्त भी हैं और अपनी लोगों को जो है वो उजागर करते हैं, उनको जगाने की कोशिश करते हैं अपनी कंट्री में। जितने भी जैसे इसमें बड़े बड़े जो भी लोग थे जिन्होंने भारत के लिए काम किया, मतलब भारत को आज़ाद होने में बहुत उनका बड़ा रोल है, सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लिया गया है इसमें, तो उनको उनके बारे में भी एक बताया गया है। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा है इनका बताना कि एटलीस्ट ये लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि ये देश कोई ऐसे वैसे नहीं आज़ाद हुआ, ये देश आज़ाद होने के पीछे बहुत मेहनत हुई है, बहुत खून बहा है, बहुत लोगों की स्ट्रगल है। सो इसको ऐसे मत समझो कि ये जस्ट एक मुल्क आज़ाद हुआ है और बहुत ही आसानी से आज़ाद हो गया, तो ये सच है और हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट है करना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी को और भी उन सबको। इसके साथ साथ इन्होंने राम जी के बारे में भी बात की है और मतलब महाभारत से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश की है। खैर काफ़ी डिफ़िकल्ट हिंदी भी थी जो कि मुझे समझ नहीं आती है, बट मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी समझने की, लेकिन समझ मुझे नहीं आया, थोड़ा थोड़ा सा, बट ज़्यादातर समझ आ गया था, तो इसलिए मुझे तो अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और यस, व्लॉग ज़रूर देखिएगा, होली व्लॉग, और इसके अलावा एक और होली आने वाली है और वो बहुत ही धमाकेदार होली होगी, तो इस होली से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, यकीनन आपको मज़ा आएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उस होली को कवर करूं और उस होली में ये होगा कि थोड़ा और ज़्यादा चिपिल होगी और डिफरेंट टाइप का वहाँ पर इन्वायरमेंट होने वाला है, तो मज़ा आने वाला है। और अब तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होली खेली थी तो दिल थोड़ा सा डरा हुआ था कि किससे कैसे बात करूं, सब लोग अननोन है, लेकिन अब जो है ऐसा होता है ना जैसे हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो वहां पर हमारा कोई जानने वाला नहीं होता तो हम डर जाते हैं, तो वैसे यहां पर भी ऐसे ही था कि मुझे लग रहा था कि यार मैं आ तो गई हूं बट अब मैं इसको शुरू कैसे करूं, तो पहले तो सोच रही थी। एनीवेज आप वो व्लॉग भी देखें, लेकिन हम मैं कोशिश कर रही हूं कि मेरा एक और व्लॉग आएगा होली पर, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आए, तो बस आप मेरे व्लॉग का इंतज़ार करें, यकीनन मज़ा आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं हूँ साइमा पीर, बाय बाय।